मन कर रहा है कि मटन का मीट खाऊं मैं या गर्मा गर्म पका के खाऊंगी। तो मैं अभी प्लेट में निकाल चुकी हूँ। अभी दिख रहा है पकाने से और ज्यादा टेस्टी आएगा लग रहा है। तो पकाने के टाइम में इसी पानी को मैं डालने वाली हूँ। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें जीरा डाल दी हूँ और उसमें तो मैं एक प्लेट में रख दी हूँ हल्दी धनिया। तो मैं मीट को टुकड़ा टुकड़ा कर ली हूँ और उसको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस मैं अभी उठ चुकी हूँ, सुबह के 7-8 बज रहे हैं और धूप भी निकल चुका है, बारिश भी हो रही है। तो मैं आज मटन का मीट पकाऊंगी। तो मैं एक प्लेट में रख दी हूँ हल्दी धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो इधर आप लोग देख सकते हैं मिर्चा लहसुन प्याज अदरक छोटा छोटा मैं काट के रख दी हूँ। इसको मैं अभी सिलपट्टा से पीस दूँगी। इधर मैं रखी हूँ धो के, यही सिलपट्टा से अभी मैं पीस दूँगी ये सबको। तो मैं अभी इसको पीस रही हूँ, मसाला लहसुन प्याज और सबको इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ। आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे पीसती हूँ। ये बहुत अच्छा देसी जुगाड़ है, इसको बोलते हैं देसी जुगाड़। बिना करंट का बिना बिजली का अच्छा पेस्ट बन जाता है। वाह, कितना अच्छा पिसा रहा है। मैं सबको ऐसे ही कट करके पीस के ख़त्म कर दूँगी। तो मैं मीट को टुकड़ा टुकड़ा कर ली हूँ और इसको मैं धो के एक प्लेट में रख दी हूँ अच्छा से। मैं इसको अभी पकाने ही वाली हूँ। तो मैं अदरक प्याज लहसुन और मसाला का ये मैं पेस्ट बना चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, पकाने से और ज़्यादा टेस्टी आएगा लग रहा है, दिखने में ही ऐसा ही। और उसका पानी को मैं बड़ा सा कटोरा में ऐसे रखी हूँ, उसको धो के मैं रखी हूँ ऐसा। जो पकाने के टाइम में इसी पानी को मैं डालने वाली हूँ। तो मैं गैस चूल्हा ऑन कर दी हूँ और अभी मैं इसको लो फ्लेम में रखी हूँ। तेल डाल चुकी हूँ, तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें जीरा डाल दी हूँ और इसमें वो इलायची डाल रही हूँ, अभी तेज़पत्ता भी मैं डाल देती हूँ इसी में। अब मसाला भी डाल देती हूँ मैं इसी में। मैं मसाला को अच्छा से 2-3 मिनट पकने देती हूँ ब्राउन होने तक। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। अभी मैं 1 मिनट का इसको भून ली हूँ और इसमें मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ, एक काटा हुआ जो छोटा छोटा हो, और इसको भी मैं 2-3 मिनट पका लेती हूँ। इसमें से थोड़ा पानी निकल रहा है तो मैं इसको सूखने दूंगी, उसके बाद और थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी, तब पक जाएगा। तो मैं ढक्कन ढक चुकी हूँ, इसको पकने देती हूँ थोड़ा देर के लिए, छोड़ देती हूँ। बाद में थोड़ा देर में ढक्कन खोल के देखेंगे पका है कि नहीं। तो इस तरह से ये मीट पक के रेडी हो चुका है, मैं अभी खाने वाली हूँ। तो मैं अभी प्लेट में निकाल चुकी हूँ, अभी खाऊंगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसा लगा। तो बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बहुत टेस्टी दिख रहा है। तो मैं अभी खा रही हूँ, यह बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे को। मीट भी बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहा है। धूप भी निकल चुका है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतने ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।